हेलो एंड वेलकम बैक टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग पहली वीडियो में हमने क्या किया था आपका पैकेट स्विचिंग के बारे में डिस्कस अब उसके दो टाइप्स होते हैं दैट इज डेटाग्राम एंड वर्चुअल उसको हम करेंगे इस वाली वीडियो में डिस्कस ओके okay? सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जिन्होंने भी पहली वीडियोज़ मेरी नहीं देखी है काइंडली आप स्विचिंग वाली वीडियोज़ देखें और ये पैकेट स्विचिंग जो है ये स्विचिंग टेक्निक्स के अंदर आता है स्विचिंग क्या होती है और ये सब मैंने समझाया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में जो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं पहले वो उन वीडियोज़ को देखो और फिर इस वीडियो पर आओ राइट चलिए अब मैं एक्सप्लेन करना आपको स्टार्ट करती हूँ कि पैकेट स्विचिंग जो है आपकी कितने टाइप्स की होती है तो पैकेट स्विचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है हमने इसमें पढ़ा था कि अगर दो कम्युनिकेशन डिवाइस हैं आपके फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के पास कोई भी डाटा सेंड करना है तो वो उस डाटा को किस में ब्रेक कर लेगा छोटे छोटे पैकेट्स में और उसके बाद में वो पैकेट्स जो हैं आगे ट्रांसफर होंगे कहाँ पर वो पैकेट जाएंगे बीच में जो है आपका स्विचेस लगे होते हैं पहले पैकेट जाएगा आपके स्विच वन के पास या फिर कोई भी स्विच के पास डेडिकेटेड स्विच होगा उसका देन वो स्विच क्या करेगा उसको स्टोर करेगा प्रोसेस करेगा और फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट स्विच की तरफ और इसी तरीके से स्विच बाय स्विच आपका जो पैकेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा फाइनल कंप्यूटर के पास फाइनल डेस्टिनेशन के पास राइट तो क्या है यहाँ पर देखो डेटा इज सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ये हमने कल अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया था देन यूज्ड ऑन डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर ये जो आपका पैकेट स्विचिंग है ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर और नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है यूज होता है देन इसके टाइप्स हैं आपके जो हम आज पढ़ने वाले हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग वन इज डाटाग्राम एंड द अदर वन इज वर्चुअल अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो डाटाग्राम स्विचिंग है ये कहाँ पर यूज होती है तो आपको ये याद रखना है कि इट इज यूज ऑन या फिर इट वर्क्स ऑन योर नेटवर्क लेयर एंड दिस वर्चुअल सर्किट इट वर्क्स ऑन योर डाटा लिंक लेयर ठीक है ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है फिर आपको इसमें और क्या याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल्स ठीक है जो हमने कल किया था क्या बताया था मैंने आपको कि ये जो डाटाग्राम है इट इज कनेक्शन लेस ये कनेक्शन लेस होता है आपका और ये जो वर्चुअल सर्किट हैं ये होते हैं आपके कनेक्शन ओरिएंटेड अब ये कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड हम पहले भी कर चुके हैं बट स्टिल आगे मैं आपको डायग्राम में समझाने वाली हूँ कि इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में किस तरीके से जो है डिवाइड किया है राइट चलिए अब आगे चलते हैं अपना चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग को हमने कैसे करा है मैंने आपको दो इसमें डिवाइड करके आपको फिर समझाया है कि पैकेट स्विचिंग के जो वर्चुअल और डाटाग्राम है ये किस तरीके से आपस में अलग अलग है राइट तो सबसे पहले आप ये पॉइंट्स देखिए और उसके बाद में आपको डायग्राम में जो कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड में है वो पूरा का पूरा समझाऊंगी कि ये पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं राइट तो पहला है जो डाटाग्राम का पॉइंट इट इज अ कनेक्शन लेस सर्विस जो डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग है आपकी ये एक कनेक्शन लेस सर्विस है मतलब दो कम्युनिकेशन डिवाइस जो हैं आपस में फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के पास डाटा सेंड करना है तो इनको कोई भी प्रायर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है आपस में और ये कम्युनिकेट वैसे भी कर सकते हैं बट वर्चुअल पैकेट स्विचिंग जो है आपकी इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड ओके इसमें क्या करना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डाटा सेंड करने से पहले एक डेडिकेटेड पाथ इस्टैब्लिश कराना पड़ता है एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है उसी के बाद जो आपके पैकेट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो वर्चुअल पैकेट स्विचिंग है एक हमने वर्चुअल सर्किट स्विचिंग भी करी थी राइट right? अब इन दोनों में आपका क्या फर्क है तो जब याद होगा थोड़ा सा कि ये जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग थी इसमें भी फंडा सेम था कि आपका जो कंप्यूटर्स ए को अगर कंप्यूटर बी के पास कोई भी मैसेज भेजना है तो बीच में होते थे आपके अलग अलग स्विचेस स्विचेस क्या करते थे आपका सर्किट तो ऑलरेडी बना होता था बट ये जो स्विचेस थे डाटा जब यहाँ पर आया तो क्या करते थे एक कनेक्शन को पूरा कर देते थे ठीक है सर्किट को पूरा करके और फिर एक डेडिकेटेड लिंक बना देते थे ए थे, और बी के बीच में और उसी के बाद जो है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा होता था ए का बी के तरफ तो ये कहाँ पर आपके यूज़ होती थी वर्चुअल सर्किट स्विचिंग ये होती थी पहले आपकी टेलीफोन्स में ठीक है जो आप फोन यूज करते थे वहां पर आपकी वर्चुअल सर्किट स्विचिंग यूज होती थी अब बात आई कि वर्चुअल पैकेट स्विचिंग में ऐसा क्या अलग है अलग कुछ भी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होगा बट जो आपकी पहले इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस फ्लो हो रही थी अब उस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इन्फॉर्मेशन है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर इन इन पैकेट्स में जो है आपकी इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया है और फिर ये पैकेट बाय पैकेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पैकेट जो है इस डेडिकेटेड पाथ के ऊपर हुआ ठीक है सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पर भी जो है आपके स्विचेस बफर और ये मेमोरी जो है रिजर्व कर लेता है पहले और फिर जो है आपके पैकेट्स को आगे भेजता है उसी पर्टिकुलर पाथ पे राइट आपको समझ में आ गया कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब दूसरा क्या है आपका नो फिक्स्ड पाथ इज नीडेड फॉर डाटा ट्रांसफर अब ऑब्वियस ऑब्बियसली बात है यहाँ पर कनेक्शन बना नहीं है ऐसा कोई प्रायर कनेक्शन की जरूरत नहीं है कोई फिक्स्ड पाथ की जरूरत नहीं है आपका पैकेट किसी भी पाथ से जो है वो जा सकता है आपका सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ देन वर्चुअल पैकेट स्विचिंग में क्या है इट नीड्स अ फिक्स्ड पाथ टू ट्रांसमिट डाटा वर्चुअल सर्किट को वर्चुअल पैकेट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ की जरूरत होती है एक फिक्स पाथ की अपना डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए देन इन डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग ईच पैकेट नीड अ हेडर हर पैकेट को अपने हेडर की जरूरत होती है वाई बिकॉज यू नो जब हमारे पैकेट्स हैं फॉर एग्जांपल, ए को बी की तरफ जाना है ये हमारे मल्टीपल स्विचेस होते हैं क्या करेंगे या फिर इसको राउटर्स बोलो नोड्स बोलो सबसे पहले एक जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है ये P1, P2, P3 एंड P4 इसको मैं आगे जो है डायग्राम उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा बट यहाँ पर मैं हल्का सा एक्सप्लेन आपको करती हूँ अगर ए को बी की तरफ मैसेज कोई भी मैसेज भेजना है सबसे पहली चीज वो पैकेट्स में टूटेगी ठीक है अब क्या करेगा मान लो ए ने नोड वन है ये नोड टू नोड थ्री नोड फोर <coughs> अब ये जो पैकेट वन है आपका सॉरी <coughs> पैकेट वन जो है आपका ये जाएगा आपका नोड वन पे ठीक है नोड वन पे ये स्टोर होगा प्रोसेस होगा अब देन ये जो आपका पैकेट है पी वन ये डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से पाथ से जाना है या मैं इस नोड ये इस स्विच के पास जाऊँ या पहले इस स्विच के पास जाऊँ ठीक है तो ये अपना पाथ खुद डिसाइड करेगा कि मेरे को कहाँ भेजना है ये जो राउटर्स होते हैं ना यहाँ पर स्विचेस या राउटर्स आप बोलते हैं वो इस पैकेट का रूट डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मुझे कौन सी नोड पे इस पैकेट को भेजना है तो सिमिलरली क्या लिखा है दे नीड अ हेडर तो हेडर की इसलिए जरूरत होती है कि इस पैकेट में आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का ही एड्रेस होता है ताकि ये जो है कोई पैकेट बीच में ना किसी भी नोट पे ये लूज ना कर जाए या फिर गुम ना हो जाए ठीक है सिमिलरली आपका पैकेट टू आया फॉर एग्जाम्पल पी वन ने आगे पास कर दिया और पी पी टू पैकेट आ गया आपका नोड वन के ऊपर अब बाई चांस ये नोड वन चाहती है कि पी वन पैकेट को मैं नोड फोर से ट्रेवल कराऊ और फिर डेस्टिनेशन के पास अपना सो सॉरी <coughs> <coughs> so कि फिर मैं अपना जो है डेस्टिनेशन बी के पास पहुंचाऊं तो अब इसमें क्या होगा कि मे बी कि की जो फोर वाला है ये जो फोर्थ नोड है इससे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाए पाथ राइट right? तो ये पैकेट्स हर एक पैकेट्स के पास अपनी अपनी जो है क्या होना चाहिए अपना ही एक हेडर होना चाहिए ठीक है वर्चुअल पैकेट स्विचिंग में क्या है अब यही चीज ना आगे डायग्राम से और अच्छी आपको समझ में आने वाली है इन वर्चुअल पैकेट स्विचिंग पैकेट्स फ्लो ऑन सेम पाथ देयरफॉर अ ग्लोबल हेडर इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फर्स्ट पैकेट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसमें क्या है जब आपके पैकेट्स फ्लो करते हैं तो सिर्फ एक ग्लोबल हेडर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी सिर्फ फर्स्ट पैकेट को अब हमने यहाँ क्या किया था कि पैकेट बाय पैकेट ट्रांसमिशन हो रही थी कॉन्टिन्यूस जो होता है फ्लो हो रहा था पैकेट का एक डेडिकेटेड पाथ जो है इन लोगों ने एस्टेब्लिश कर दिया ठीक है ए और बी के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ एक डेडिकेटेड जो है आ, अः uh, बैंडविथ जो है आपकी रिजर्व हो गई अब इसी बैंडविथ के ऊपर ये ए बी को डाटा सेंड करेगा अब क्या है सिर्फ इसमें बोला गया है कि एक ग्लोबल हेडर की रिक्वायरमेंट होती है जो आपका पैकेट पी वन है ना सिर्फ उसी को हेडर की रिक्वायरमेंट होती है आपकी जब जो आपका डेस्टिनेशन और सोर्स का एड्रेस होता है अब देन ये जो नोड है इसी पी वन के हेडर की वजह से इसको पहचानेगी और आगे फर्दर नोड्स अलॉट कर देगी अब जितनी भी नोड्स आपके अलॉटेड होंगी वो सारी रिजर्व हो जाएंगी P1 भी इसी के थ्रू ट्रेवल करेगा इसी पाथ के थ्रू P2 भी इसी पाथ के थ्रू ट्रेवल करेगा P3 भी इसी पाथ के थ्रू ट्रेवल करेगा और P4 भी और आएंगे भी क्या लिखा है देखो अब आपको फिर क्या होगा पैकेट्स डू नॉट रीच डेस्टिनेशन इन सेम ऑर्डर है जो आपके हैं, वो destination पे same order में नहीं पहुंचेंगे। मतलब कि आ, किस तरीके से हमने कर था? P1, P2, P3, P4. अब ये जो हैं, ये अपनी अपनी नोट चूज करके डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन से जा, जा रहे हैं ठीक है जब तक वो बी के पास पहुंचे फॉर एग्जाम्पल कि जो पी टू ने पाथ अपना चूज करा वो शॉर्ट था एज कंपेयर टू पी वन और पी वन को जो है पाथ में थोड़ा सा डिले भी हो गया जाने में तो सबसे पहले यहाँ पर पी टू रिसीव होगा फिर यहाँ पर पी वन रिसीव होगा तो ये चीज लिखी है जो पैकेट डेस्टिनेशन के पास रिसीव होंगे ना आपके वो एक सेम ऑर्डर में नहीं होंगे बट केस ऑफ योर वर्चुअल पैकेट स्विचिंग जो आपके पैकेट्स डेस्टिनेशन के पास रिसीव होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे फॉर एग्जाम्पल पहले पी वन आएगा फिर पी टू आएगा फिर पी थ्री एंड फिर पी फोर ओके अब दूसरी चीज क्या है इसमें इट इज नॉट सर्किट लेकिन ये जो आपका वर्चुअल सर्किट है ये हाईली रिलायबल होता है बिकॉज इसमें जो पैकेट्स हैं वो एक पाथ के थ्रू ट्रांसफर हो गए आपके ठीक है तो इसमें आपके जो लास्ट में जब पहुंच जाएंगे पैकेट्स तो किसी भी रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं होगी दूसरा कहीं भी ऐसा कोई ये नहीं होगा कि ज़्यादा डिले हो गया है आपका ठीक है अब पाथ बन गया तो उसमें स्टोर और प्रोसेस का कोई वो फंडा नहीं रहेगा सीधा क्या होगा ट्रांसफ़र होते रहेंगे आपके पैकेट बट इसमें डीले का भी फंडा आएगा वर्चुअल सर्किट में दूसरा ऐसा भी हो सकता है इस ट्रांसमिशन में पैकेट अपने आप को शायद कहीं खो भी दे है ना लूज़ भी हो सकता है पैकेट तो इसी वजह से कहते हैं कि ये जो वर्चुअल आपका सर्किट है पैकेट स्विचिंग वाला या जो वर्चुअल सर्किट ये हाईली रिलायबल है ज्यादा रिलायबल है आपके डेटाग्राम से ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर हम इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कनेक्शन लेस जो सर्किट है आपका दैट इज डेटाग्राम इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं फर्स्ट इज ईथरनेट दूसरा है आपका इंटरनेट एंड इंटरनेट को आई पी बी देन यू डी पी दैट इज प्रोटोकॉल एंड इफ यू टेक कनेक्शन लेस वाला एग्जाम्पल मतलब वर्चुअल पैकेट स्विचिंग का एग्जाम्पल लें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका एक्स ट्वेंटी फाइव फ्रेम रिलेस फ्रेम रिलेस मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग मल्टी तो इसको आप और क्या बोलते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम पी एल एस मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग ये आपके पेपर में भी पूछी जा सकती है फुल फॉर्म एंड टी सी पी भी जो है ये भी एक वर्चुअल पैकेट स्विचिंग है दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आई होप आपको समझ में आ गया अब चलते हैं आगे और एक डायग्राम की हेल्प से ये सारी चीजों को समझते हैं राइट right? चलिए तो हम यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे फॉर एग्जाम्पल ये होस्ट वन है जो हमारा होस्ट वन क्या है इसको आप कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी मान लें तो हमने मान लिया कि कंप्यूटर वन है यहाँ पर दिस इज़ होस्ट टू दैट इज़ कंप्यूटर टू बात करेंगे सबसे पहले हम डेटाग्राम सर्किट स्विचिंग की सॉरी डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग अब डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग में किस तरीके से आपका जो है डाटा जाएगा सी फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी डाटा है ठीक है हमारा कोई भी डाटा है उसको हमने पैकेट्स में ब्रेक कर लिया पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव एंड पी सिक्स अब हमने इसको पैकेट्स में ब्रेक कर लिया ये आपका होस्ट टू पे दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ है दैट इज योर डेस्टिनेशन ठीक है अब डाटा जो है वो किस तरीके से आपका ट्रेवल करेगा देखो यहाँ पर जो P1 है आपकी इसके पास आपका जो है हेडर होगा हर पैकेट के पास जितने भी यहाँ पैकेट हैं सबके पास अपना हेडर होगा और उस हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होगी उस हेडर में इंफॉर्मेशन होगी कि उसको कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है ठीक है और बीच में जो कंटेंट होगा आपका हेडर दो पार्ट से बना होता है कल वाली वीडियो देखना मैंने कौन कौन सा बताया था और इस हेडर में आपकी डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस जहां से सेंडर की इंफॉर्मेशन होती है डेस्टिनेशन की और उसका जो एक्चुअल में कंटेंट होता है राइट अब ये जो है इस हेडर की वजह से आपकी नोड जो भी है ये आपका रिकॉग्नाइज कर पाएगी ये कौन सी नोड के पास आपका कौन सा पैकेट जाना है फॉर एग्जाम्पल हमारा पहले गया पैकेट वन नोड ए के पास ठीक है नोड ए क्या है ये आपके स्विचेस होते हैं और वी कैन से राउटर्स अब ये क्या करेगा कि नोड आपके जो पैकेट आ रहा है उसको सबसे पहले करेगा स्टोर स्टोर कहाँ कर लेगा ये अपनी बफर मेमोरी में और स्टोर करता है क्यों है क्योंकि बीन वाइव जब भी स्टोर करता है तो राउटर जो होता है वो पाथ ढूंढ रहा होता है कि आपके पैकेट को मैं कौन से पाथ से पहुंचाऊं नोड बी पे भी जा सकता है नोड सी पे भी नोड ई e पे भी तो मल्टीपल पाथ है वो डिसाइड करता है कौन से एक पाथ से मुझे इस पैकेट को पहुंचाना है राइट right? अब इसने क्या करा स्टोर करा उस पैकेट को प्रोसेस करा और आगे जो है उसको भेज दिया ट्रांसमिट कर दिया फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पीवन है उसको मेरी नोड ए ने पहुंचा दिया नोड ई e के पास ठीक है मेरा पी वन पैकेट नोड ई e के पास आ गया Then, मेरे नोड ई e ने भी वही काम करा स्टोर प्रोसेस और ट्रांसमिट कर दिया नोड ई e ने मेरे पी वन पैकेट को पहुंचा दिया नोड आई के पास राइट और फिर जो है मेरा नोड आई से फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज होस्ट टू और कंप्यूटर टू के पास मेरा डाटा पहुंच गया अब दूसरा पैकेट हमारा पी टू आया ठीक है अब पी टू जो है हमारा फॉर एग्जाम्पल नोड डी के पास आ गया यहाँ पर हमारा टू हो गया प्रोसेस सेम फॉलो होगा अब मे बी कि हमारा जो है नोड डी से डायरेक्ट जो है ये पैकेट नोड आई की तरफ भेज दे राइट और हमारा टू डायरेक्ट यहाँ पर आ गया तो उसमें क्या होगा पहली चीज तो हमने क्या देखी कि हमारा कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं बन रहा मतलब हमारा जो ये पैकेट है वो इधर से भी जा सकता है इस पाथ को भी चूज कर सकता है कोई भी पाथ चूज कर सकता है तो कोई डेडिकेटेड पाथ या कोई डेडिकेटेड कनेक्शन हमारा नहीं बन रहा अब हमने यहाँ क्या देखा कि मे बी कुछ ऐसा सकमस्टांस बन जाए कि जब P3 हमारा ट्रांसमिट हो रहा है तो P3 हमारा नोड जी के पास जाके सीधा नोड आई के पास आए और उसके बाद में नोड टू पे सबसे पहले पहुंच जाए और फिर ये हो सकता है कि पी थ्री हमारा जो है पी टू और पी वन से पहले पहुंचे फिर हमारा पी टू पहुंचे फिर पी वन पहुंचे और फिर हमारा पी फोर पहुंचे ठीक है तो उसमें यही बता रखा था कि जो आपकी ये पैकेट स्विचिंग होती है इसमें है कुछ नहीं बेसिकली सिर्फ वाले में क्या है आपका छोटे छोटे पैकेट जो है वो आपके ट्रांसमिट हो जाते हैं आगे की तरफ राइट और आपको डाटाग्राम में क्या देखना है कि दूसरा जो आपका रिसीवर साइड है वहां पर इन पैकेट्स की जो है रीअरेंजमेंट होती है और उसके बाद में अब जरूरी नहीं है इस वाले जो, तो जो आपका यूजर डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग है कि डायरेक्ट जो है मान लो हमारा कोई डाटा है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर उसी जो है अरेंजमेंट में पहुंचे हो सकता है कि पहले दूसरा पहुंच जाए फिर दूसरा पैकेट रिसीव हो जाए तो बेसिकली जो है आपका यहाँ पर क्या होगा कि रीअरेंजमेंट डिवाइस प्रेजेंट होगा और वो इन पैकेट्स को इस फॉर्म में अरेंज करेगा P1, P2, P3 एंड P4 क्या क्या देखा हमने नो डेडिकेटेड पाथ इज देयर फॉर कनेक्शन सेशन ठीक है कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं है देन और क्या देखा हमने कि इट इज़ अ ट्रू पैकेट स्विच नेटवर्क मतलब देयर इज नो फिक्सड पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा और कोई कनेक्शन भी नहीं है ऐसा भी नहीं है कि हमने पर्टिकुलर कोई बैंड विथ ऑक्यूपाई कर ली हो ठीक है एवरी पैकेट इज फ्री टू चूज एनी पाथ मतलब हर हर पैकेट फ्री है अपना चू पाथ चूज करने के लिए देफोर अडर मस्ट बी एसोसिएटेड विद ईच पैकेट हर एक पैकेट के पास अपना हैडर होना ही चाहिए बिकॉज वो अपना फ्री है कोई भी पाथ चूज करने के लिए राइट right? तो आई होप समझ में आ गया देन ये रिलायबल नहीं है एज कंपेयर टू वर्चुअल सर्किट वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों नहीं है दूसरा कि ज़रूरी नहीं है कि ये अपने ऑर्डर में ही जो है जिस ऑर्डर में ये सेंट हुए थे उसी ऑर्डर में ये अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचे फॉर एग्जांपल पी वन पी टू पी थ्री पी फोर सेंट हुआ था तो ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में वो पहुंचे मे बी पी टू पहले पहुंच जाए मे बी पैकेट थ्री पहले पहुंच जाए पैकेट वन पहले पहुँच जाए ठीक है देन लास्ट जो आपका फैक्टर आता है वो होता है कॉस्ट तो इसकी जो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू योर वर्चुअल वाले सर्किट वो होती है लेस बिकॉज कोई भी इसमें क्या होता है कनेक्शन एस्टैब्लिश कराने की जरूरत नहीं होती आपके जो ये पैकेट्स हैं वो फ्री होते हैं आपके नेटवर्क में किसी भी नोड के पास जो है ये ट्रांसमिट होके आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो ये क्या कहते हैं वर्चुअल पैकेट जो है ये किस तरीके से काम करता है आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको लेट मी रेज इट वही आपका जो हमने सर्किट स्विचिंग में पढ़ा था बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज जो अलग हो जाती है वो क्या कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपका डाटा है पहले वहां पर एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ डाटा हो रहा था ठीक है एक डेडिकेटेड पाथ बन रहा था और उसी पे कंटिन्यूस आपका डाटा फ्लो कर रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो डाटा था उसको पैकेट में इसने तोड़ दिया पैकेट में तोड़ने के बाद मान लो होस्ट है जो हमारा कंप्यूटर वन उसने नोड ए के पास भेजा ठीक है ये नोड उसने क्या कर ली अपने लिए रिजर्व कर ली उस पैकेट ने रिजर्व कर ली वन ने अब देन इसके पास उसका हेडर होगा ठीक है हेडर सिर्फ जो है आपके वन को ही जरूरत होगी अब नोड टू ने फॉर एग्जाम्पल वो चाहता है कि मैं नोड ई e के थ्रू ट्रेवल करूँ दूसरा पैकेट आया नोड ई e के पास देन उसने भी वही काम करा ठीक है इधर आया पैकेट देन नोड ई चाहता है मैं नोड आई के पास जाऊं और फिर इस तरीके से उसने इस पाथ को चूज कर लिया अपना होस्ट पे जाने के लिए अब ये जो डेडिकेटेड पाथ है ठीक है ये सारा ये नोड ए नोड ई एंड नोड आई ये हो गया रिजर्व आपका ट्रांसमिशन के लिए ये पाथ या फिर ये वाली जो बैंडविथ है वो रिजर्व हो गई ठीक है अब क्या होगा जो आपका पीवन पहले ट्रेवल करेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा फिर दूसरे बे जो जब P2 P2 आएगा तो P2 भी इसी पाथ को फॉलो करके यहाँ पर आएगा ठीक है सिमिलरली फिर आपका P3 P3 भी इसी तरीके से जो है पाथ फॉलो करेगा और इसी पाथ को फॉलो करके P3 यहाँ पर आएगा ठीक है देन P4 P5 P6 तो यहाँ पर जो है एक डेडिकेटेड लिंक या फिर डेडिकेटेड कनेक्शन बना देगा वो और उसी से जो है ये सारे पैकेट्स ट्रेवल करेंगे आई होप इन दोनों में आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों का अब क्या है इसमें आपको क्या क्या जानना है सबसे पहली चीज एक ग्लोबल हेडर की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी सिर्फ पैकेट वन को और उसके बाद में P2, P3, P4, P5 को हेडर की जरूरत नहीं है वो उसी पाथ पे जो है सारे के सारे ट्रांसमिट हो जाएंगे दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है जो पैकेट्स हैं आपके वही जिस ऑर्डर में वो भेजे गए हैं उसी ऑर्डर में आपके डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे तो फॉलो सेम पाथ और पहले तो ये आएगा फॉलो सेम पाथ तीसरा आपका पॉइंट आएगा कि उसी आपके ऑर्डर में पहुंचेंगे ठीक है रीच इन सेम ऑर्डर फोर्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है रिलायबल हैं ये एज कंपेयर टू डाटाग्राम रिलायबल इसलिए हैं बिकॉज जो आपका डाटा है वो एक ही उससे ट्रांसमिट हो रहा है तो आपके सारे के सारे पैकेट्स उसी फॉर्मेट में ठीक है जिस फॉर्म में वो भेजे गए हैं उसी सीक्वेंस में जो है वो रिसीव होंगे दूसरा कि इसका जो टाइम है एंड कॉस्ट है वो थोड़ी सी जो है ज्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज इस वजह से कि मान लो आपका पहले डाटा है आपका उसको पैकेट्स में तोड़ा वो पहले ट्रांसमिट हुआ ठीक है तो जो नेक्स्ट पैकेट का एस्टेब्लिशमेंट टाइम होगा नेक्स्ट डाटा का जो हम पैकेट तोड़ेंगे डाटा के उसका एस्टेब्लिशमेंट टाइम होगा वो ज्यादा होगा तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है दूसरा कि जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है ठीक है अब जो हमने जैसे रिसोर्सेज जो हैं ये सारे रिसोर्सेज हमने क्या कर लिए रिजर्व कर लिए अपने ट्रांसमिशन के लिए अब इन रिसोर्सेज को इस पाथ को दूसरा तो यूज नहीं कर पाएगा ना ट्रांसमिट होने के लिए अगर ये तो है नहीं सिर्फ आप ही का डाटा जा रहा है कितने सारे डाटा जाते हैं तो इस वजह से इस चीज को कोई क्या करेगा रिजर्व तो ये रिजर्व हो जाएंगी तो यूज इसको कोई कर नहीं पाएगा तो इस वजह से भी जो है इसकी थोड़ी सी जो मैं कह सकती हूँ एफिशिएंसी हल्की सी जो है कम हो जाती है एज कंपेयर टू योर पैकेट जो स्विचिंग थी आपकी डेटाग्राम वाली ओके आई होप समझ में आ गया होगा सो so ये था आपका जो है स्विचिंग टेक्निक अब यहाँ पर हमने अपनी जो है स्विचिंग टेक्निक्स कंप्लीट कर लिए कौन कौन सी सर्किट पैकेट स्विचिंग मैसेज स्विचिंग तीनों हो चुकी है अब जो है आगे मैं आपको ओ एस आई मॉडल की स्विचेस हब्स बसेस ये न, switches, hubs, क्या है उसको एक्सप्लेन करूंगी अलग अलग वीडियोस में ठीक है सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड लक दूसरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो अपना डाउट को लिख दीजिए अदरवाइज इंक्वायरी आईडी जो भी मिली हुई है आपको उसमें अपना डाउट भेज दीजिए उस पर वीडियो आपकी बना दी जाएगी ओके सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड लक स्टे होम एंड स्टे सेफ